Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपीट्यूटर में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम बहुत ही दिलचस्प ऑप्शन सीखेंगे जो कि अक्सर हमें प्रॉब्लम्स ही आती हैं और ये हम यूज़ भी अक्सर चीज़ों में कर रहे होते हैं। और ये ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर में क्या काम होता है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ तफसील से। देखिए, हेडर और फुटर बेसिकली ऐसा कोई भी काम जिसे आप या हर पेज पर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं अपने काम को, या जैसे इसमें कोई भी हेडिंग हो गई या कोई भी टाइटल हो गया जिसे आप टॉप पे, पेज के टॉप पे या बॉटम पे इसे रिपीट करना चाहते हैं, तो फिर आप उस टेक्स्ट को हेडर या फुटर में टाइप कर देते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम ऑप्शन इसके अंदर ये है कि यहाँ पर आप पेज नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स मौजूद हैं कि बने बनाए, जिसे बाय डिफ़ॉल्ट हम टेम्पलेट्स कहते हैं, कुछ डिज़ाइंस कहते हैं। ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, एक और ऑप्शन साथ में आ रहा है डेट का, चाहें तो यहाँ से डेट इसको आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना पेज का यहाँ पर टाइटल दे दें। और यहाँ पर जो असल चीज़ है उसकी तरफ चलते हैं, ये तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इतनी ये मुश्किल चीज़ नहीं है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो सेम एज इट इज़ प्रिंट होता रहेगा हर पेज पर, लेकिन हम ये चाहते हैं, या आपका काम की नोयत ये है कि हर पेज पर पेज नंबर भी चेंज हो, और होता भी है, इसी तरह होता है। इसको हम यहाँ से आके यहाँ पर इसके नंबर फॉर्मेट्स हैं वो देखें। हमने हेडर का फॉर्मेट लिया था, लेकिन जब हम नंबर का फॉर्मेट लेंगे तो वो हेडर का ऑप्शन यानी कि डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा आ गया पेज नंबर। अब इसके अलावा अगर आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर दे दिया चैप्टर नंबर 1। अच्छा देखें, अब ये जो चैप्टर्स होते हैं ये एक पेज पर चेंज नहीं हो जाता बल्कि कई पेजेस पर चलते हैं। अब ये करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें यहाँ से, और अब इसी तरह से अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जाएं। ये देखें, यहाँ पर नंबर 2 आ गया, यहाँ पर चैप्टर 1 ही है। अब एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ या जो भी करेक्टर आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो करेक्टर चेंज नहीं होगा बल्कि वो रिपीट हो जाएगा हर पेज पे, एज इट इज़ आता जाएगा। अब क्योंकि पेज नंबर में हमें रिपीटेशन चाहिए होती है कि हर पेज पर अपडेट होता जाए, तो उसमें हमें टाइप नहीं करना बल्कि ये इस ऑप्शन से आके हमने पेज का नंबर पहले देना है, ताकि जो हम काम करना चाह रहे हैं वो हमारा काम ख़राब नहीं हो। जिस तरह से मैंने यहाँ से एक फॉर्मेट अप्लाई किया था और उसके बाद जब मैंने ये नंबर अप्लाई किया तो मेरा ये पेज नंबर फॉर्मेट जो मैंने इससे पहले दिया था वो ख़त्म हो गया था। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर के अलावा भी और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। आप टैब दबाएंगे तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, अगर यहाँ हैं तो टैब दबाएं, ये यहाँ मूव होगा, फिर ये यहाँ हो जाएगा अगर टैब आप प्रेस करते रहेंगे। फिर इसमें मज़ीद एडिटिंग भी है। अब अगर आप ये नंबर फॉर्मेट इसको चेंज करना चाहते हैं, अच्छा ये तो पहले आपको मैं बता दूं, ये सारी इसकी पोजीशंस हैं, इसके फॉर्मेट्स हैं, ये बॉटम है, पेज मार्जिन्स है कि कहाँ आना चाहिए, इसी तरह से पोजीशन है कहाँ पर ये प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद फॉर्मेट पेज में यहाँ पर अगर आपको याद होगा, जिसने मेरी बुलेट एंड नंबरिंग वाली क्लास व्यू की है तो वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। तो ये सारे ऑप्शन जो भी आप इसमें से अप्लाई करना चाहेंगे वो आ जाएगा, अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी,
अच्छा एक चीज़ और, पेज नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से हो ये भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको 101 दे देता हूँ, और अगर मैं इंक्लूड चैप्टर कर दूँ तो फिर ये चैप्टर के हिसाब से भी आपके पास हेडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन केस अगर आपने काम इस तरह का नहीं किया हुआ या सिर्फ सिंपल आप पेज नंबर ही चाहते हैं, तो आप इसको नंबर ही देकर ओके कर देंगे। इसके अलावा डेट एंड टाइम भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इंसर्ट हो जाएगी इस तरह बिल्कुल इजीली। ये करंट डेट दे रहा है आपका। क्विक पार्ट्स में आपके पास कुछ फील्ड्स हैं जो ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट आप रखना चाहते हैं, ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फील्ड बनी हुई है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पिक्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर की मज़ीद डिटेल आप पिक्चर वाली के वीडियो में देख सकते हैं। इसको आप सिंपल सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट करेंगे और आ जाएगी पिक्चर, और इसको आप इसका साइज अरेंज करके जहाँ चाहेंगे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर ये मूव में प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा इसी के साथ साथ क्लिप आर्ट भी है, सेम वही चीज़ जो आपने वहाँ पिक्चर में यूज़ की थी यहाँ क्लिप आर्ट में भी यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा गो टू फूटर, अगर आप हेडर पे काम कर चुके हैं तो फूटर पे भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आप नंबर देना चाहते हैं फूटर पे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से हटा कर आप यहाँ पर अपना पेज नंबर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं बॉटम लेकर, और यहाँ से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब ये यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ से मैंने डिलीट नहीं किया है इसलिए ये वहाँ भी आ रहा है, तो आप जब आप डिलीट कर देंगे तो सिंपल ये पेज के आखिर में आएगा जो कि आपका फुटर कहलाता है। और इसमें मजीद प्रीवियस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, अगर सेक्शंस पे काम कर रहे हैं तो एक और बड़ा दिलचस्प सी इसमें चीज़ है डिफरेंट फर्स्ट पेज कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने काम टाइप किया है वो फर्स्ट पेज पे ना आए, फर्स्ट पेज पर डिफरेंट आए और बकिया पेज पर सेम आए। जैसे ये देखिए चैप्टर नंबर ऊपर टाइप हुआ हुआ नहीं आ रहा, ऊपर मैंने इसको मेंशन किया था लेकिन मैंने ये डिफरेंट फर्स्ट पेज किया, फर्स्ट पेज डिफरेंट कर दिया तो ये ऑप्शन यहाँ आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे कन्वर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने टाइप किया यहाँ पे हेडर, अब देखें नीचे सबसे टॉप पे कन्वर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर देखें चेंज है। अब यही चीज़ आपकी हर जगह रिपीट होती जाएगी, ये देखें अब फर्स्ट पेज के अलावा आपको ये चीज़ हर जगह मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर इस पर हम चेक हटाते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, अब आप इस पर क्लिक करते हैं अब क्या होता है ऑड पेजेस चैप्टर 1, अब देखें पेज 2 खाली है, अब पेज 3 पे चलते हैं, ये देखें पेज 3 आपके पास यहाँ पर फिल हुआ हुआ आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से काम करना चाह रहे हैं कि इवन पेजेस या ऑड पेजेस की सीरियल आपके चाहते हैं तो आप इस पर चेक लगा देंगे कि यहाँ से आसानी के साथ वर्किंग एरिया में आ जाएगा। इन केस आप अगर आप नॉर्मल काम करना चाहते हैं तो इन दोनों पे से चेक हटाए रखेंगे, इन पे चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये आपकी इसकी अलाइनमेंट्स सॉरी स्पेस है इसका कि कितनी आप इसको स्पेस देना चाहते हैं पेज में। इसी तरह बॉटम है टॉप है दोनों, इंसर्ट टैब अगर टैब कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर टैब भी लग जाएगा, जैसे ये जो टैब मैंने आपको शायद पहले बताया था तो ये भी लग सकता है। यही कुछ ऑप्शंस हैं इसके, और अगर आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या हेडर फुटर में कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आप हेडर में यूज़ कर सकते हैं सेम वही चीज़ फुटर में भी आप इजीली यूज़ कर लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियोस को भी वॉच करते रहें और हमारे लिंक को भी शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।